नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। निफ्टी व्यू 7 जनवरी 2021 के लिए। निफ्टी एक माइल्डली रेड में ग्रोथ, लेकिन देखना चाहिए कि यहां स्विंग लो टू स्विंग हाई में 12 दिन लगे हैं। 12 दिन दौड़ने के बाद अगर रुकता है तो कौन सी बड़ी बात है, पॉज होता है तो कौन सी बड़ी बात है, सांस लेता है तो कौन सी बड़ी बात है, अगर साइडवेज मूव मिलता है तो भी ठीक है, थोड़ी गिरावट मिलती है तो और भी अच्छा। सिंपल एज दैट। इंपॉर्टेंट है 13,950, जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, नथिंग टू वरी। हमारा जो टारगेट है 14,467 का है और मुझे लगता है आते दिन में वो भी कोई देखेंगे आप जाएगा। निफ्टी इंटरनल देखते हैं, निफ्टी इंटरनल का हाल क्या है। निफ्टी इंटरनल जब मैं ये सर्कल देखता हूँ, यहाँ पर बड़ी सर्कल, तो लगता है कि यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है। और इसके बाद जो गिरावट हुई है यहाँ पर, इसके बाद ये ऊपर चला गया है, यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है। तो जब मैं यही बार देखता हूँ तो मुझे कुछ खास कंफर्ट नजर नहीं आता है और लगता है कि शायद साइडवेज मूव मिलेगा या फिर डिप मिलेगा। दो तीन बातें हो सकती है। एक, अगर गैप अप खुले और यहाँ से अगर ऊपर चला जाए तो वो खरीदने का मौका रहेगा, क्योंकि जिसने भी यहाँ पर शॉर्ट किया है वो कवर करेंगे। FNO एक्सपायरी है ना भाई, वीकली एक्सपायरी, तो क्या करेंगे, शॉर्ट तो कवर करना ही पड़ेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर यहीं पर छोटे सर्कल है यहाँ पर खुलता है और ये नीचे ब्रेक हो जाता है 4150, तो और गिरावट आएगी, शायद 14,000 के आसपास या 13,950 भी पॉसिबिलिटी है। और हमारा 13,950 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, बस इतना ही ध्यान देना है। अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ पर उसके आसपास, तो मेरे ख्याल से वो मौका रहेगा खरीदने का, फिर एक अप मूव मिलेगा, क्योंकि जिसने यहाँ पर शॉर्ट किया है वो तो शॉर्ट कवर करेंगे ना। लेकिन अगर बीच में कहीं खुलता है तो ट्रेडिंग थोड़ा मैसी रहेगा, ये मुझे खिचड़ी नज़र आती है और मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग सोचते होंगे, अरे ये प्रकाश बाबा ये लेवल्स कहाँ से निकालता है, ये मैं आप सिखाने वाला हूँ, ये आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। इस साइट को थोड़ा पेड कर दूंगा मैं, यूट्यूब चैनल को बहुत थोड़ा छोटा फी रखूँगा लेकिन इसको पेड कर दूंगा, तो इसमें आपको लगेगा कि मैं ये कैसे निकालता हूँ, ये मेरे कैसे लेवल्स निकलते हैं, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा यहाँ से यार ये निकलते हैं कैसे लेवल। और ये बहुत ही बढ़िया लेवल्स है, आहिस्ता आहिस्ता आप सब सीख जाओगे, एनालिसिस करना, ट्रेड करना, चलो अच्छा है। चलो निफ्टी बैंक बताता हूँ, निफ्टी बैंक का हाल क्या है। निफ्टी बैंक यहाँ देखा जाए तो हमारा 30,945 में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है और थोड़ा माइल्डली इन द ग्रीन कटा हुआ। हमारा जो लेवल था 32,162 का था और कुछ खास टारगेट नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी नहीं गया। चलो इंटरनल देखते हैं, निफ्टी बैंक इंटरनल का हाल क्या है। यहाँ पर तो वीकनेस थी, सर्कल जहाँ मार्क किया मैंने, उसके बाद गिरावट आई, फिर एक अपमूव मिला लेकिन वहाँ पर फिर फंस गया। तो यहाँ पर इंटरनल देखता हूँ तो मुझे खुश खास कंफर्ट नज़र नहीं आता, हो सकता है साइडवेज मूव मिले, अगर नीचे गिरावट होगी पॉसिबल है। अगर ये गैप अप खुलता है यहाँ पर ऊपर जाता है तो यहाँ पर जिसने भी शॉर्ट किया है वो कवर करेंगे और ऊपर जाए, अगर गैप डाउन खुलता है तो जिसने शॉर्ट किया है वो कवर करेंगे ऊपर आने के लिए, तो यहाँ से एक अपमूव मिलेगा, पॉसिबल है। प्रॉब्लम है अगर यहाँ पर काम खुलता है तो, और ये ब्रेक हो जाता है 31,750, तो थोड़ी गिरावट आ सकती है, फिर लोअर लेवल देखने को मिल सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तीन व्यूज हैं, तीन पॉसिबिलिटीज है, हमको तो तैयार होना है तीनों पॉसिबिलिटीज से। हमको क्या करना है, मार्केट को जो करना है करने दीजिए, हमको तो प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के लिए हमारी पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए, बस प्रिडिक्ट ना करना चाहिए, क्योंकि भाव भगवान है।